नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि विभाविष्टः। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। राष्ट्रपतिना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाभागया वित्त मंत्री पदार्थ प्रणव मुखर्जी महोदयस्य त्यागपत्रं स्वीकृतम्। इतः प्राक् मुखर्जी महोदयेन स्वीय त्यागपत्रं प्रधानमन्त्रिणे डॉ मनमोहन सिंहाय समर्पितम् आसीत्। तद्धि राष्ट्रपतिना अनन्तरं रात्रौ अनुमोदितम्। असौ राष्ट्रपतीय निर्वाचनार्थं स्वीय नामांकन पत्रं पञ्जीकारयिष्यति। स्वीय कार्यालये पदात् असावध्य स्वीय त्यागपत्रं प्रस्तोष्यति इति संभाव्यते। प्रणव मुखर्जी महोदयस्य त्यागपत्रं राष्ट्रपतये प्रेषयन् प्रधानमन्त्री डॉ मनमोहन सिंहः मुखर्जी महोदयस्य संकटमोचक भूमिकां संस्तुतवान्, तं च आलक्ष्य आभारं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् स्वीय असाधारण प्रतिभाया परिणामकारणादेव मुखर्जी महोदय विभिन्न दायित्वानां निर्वहनं अतीव सारल्येन सम्पादितवान्। प्रधानमन्त्रिणा आशा प्रकाशिता यद् आगामिनि मासे मुखर्जी राष्ट्रपति पदं लप्स्यते, देशश्च तस्य अनुभवेन लाभान्वितो भविता। मुखर्जी महोदयस्य त्यागपत्रं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा वित्त मन्त्रालयस्य कार्यभारो अपि स्वीकृतः। डॉ सिंहः नाभिकीय ऊर्जसः अन्तरिक्ष योजना कार्मिक सार्वजनिक उपालम्ब सेवानिवृत्ति वर्तनं चेति मन्त्रालयानां अतिरिक्तानां कार्यभारान् पूर्वमपि निर्वहति। पाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना आसिफ अली जरदारी महोदयस्य प्रवक्त्रा एतत् स्पष्टीकृतं यत् सरबजीत सिंहो नैव अपितु अपरः एको भारतीयः सुरजीत सिंहो विमोच्यते। प्रवक्ता फरतुल्ला बाबर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इति वार्ता अभिकरणं प्रतिसूचितवान् यद् एतत् क्षमादानस्य प्रकरणं नैव अस्ति। सुच्चा सिंहस्य पुत्रस्य सुरजीत सिंहस्य आजीवन कारावास अवधि सम्पूर्ण, स च पाकिस्ताने त्रिंशत् वर्षीय कारादण्डात् अनन्तरं भारतं प्रेष्यते। इतः प्राक् वृत्तम् एव श्रुतम् आसीत् यत् सरबजीत सिंहस्य प्राणदण्डम् आजीवन कारादण्डे परिवर्तितम्। तञ्च श्रुत्वा तदीय गृहे उल्लासमय वातावरणं सृष्टभूतम्। असम राज्ये अनन्तरं प्रबल वृष्ट्या जलापूरः स्थिति विकृततरा जाता। अनेन भीषण जलपूरेण विगत दिवसे द्वौ जनौ कालग्रासी भूता एवं च समग्रा मृतक संख्या दशमिता जाता। केन्द्रीय लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मन्त्रिणा वीरभद्र सिंहेन हिमाचल प्रदेशस्य एकस्मिन् न्यायालये चम विरुद्ध्य भ्रष्टाचारस्य आरोपणां स्थापनाम् अनुसृत्य स्वपदं त्यक्तम्। प्रधानमन्त्रिणः परामर्शसः अनुसृत्य वीरभद्र सिंहस्य त्यागपत्रं राष्ट्रपतिना स्वीकृतम्। हिमाचल प्रदेशस्य प्राक्तनं मुख्यमन्त्रिणं वीरभद्र सिंह विरुद्ध्य एकस्मिन् त्रयोविंशति वर्ष पुरातने भ्रष्टाचार प्रकरणे षड्यंत्र प्रकरणे च आरोपः विनिर्धृता। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री विलासराव देशमुख तस्य अतिरिक्तं कार्यभारं निर्वक्षति। अमरनाथ यात्रायां तीर्थयात्रिणां संख्यायां वर्धमानायां प्रथम त्रिषु दिवसेषु प्रायश अष्टादश सहस्रं तीर्थयात्रिभिः तीर्थस्थलस्य पुण्यदर्शनानि सम्प्राप्तानि।
यात्राया सुचारू प्रबंधार्थं केन्द्रीय रक्षिता रक्षिबल स्वीय 57 गुल्मा नियुक्ता। भारतीय टेनिस क्रीडिकया सानिया मिर्जा महिला युगल्स स्पर्धायां रश्मि चक्रवर्ती इति अन्या सह ओलंपिक क्रीडासु क्रीडिष्यते। ताभ्यां वाइल्ड कार्ड इति पद्धत्यां प्रवेशोयं संप्राप्तः। अन्या एव पद्धत्या सोमदेव देववर्मनो अपि पुरुषाणां एकल स्पर्धायां प्रवेशं संप्राप्तवान्। विम्बल्डन स्पर्धानां द्वितीय दिने भारतस्य सानिया मिर्जा महिला युगल स्पर्धायां विजयेन स्वीन विजयाभियानं समारब्धवती। अमेरिकायाः वेथानी माटेक इत अनिया सह युगलं विधाय सानिया रूस अमेरिका देशयो आला कुद्रियात्सुवा स्लोइन स्टीफन्स चेति अनियो युगलं पराजितवती। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वनूतना वार्ता समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम्।